दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग यूनो एसबीआई ऐप के थ्रू यूपीआई का यूज़ कैसे कर पाएंगे। दोस्तों यूपीआई यूज़ में ये आ जाएगा कि आप वहाँ पे किसी को स्कैन करके पे कैसे कर सकते हैं, या फिर आप अपना बारकोड जनरेट करके आप कैसे पेमेंट को ले सकते हैं, आप अपना यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर नए बैंक को कैसे ऐड कर सकते हैं। यूपीआई के जितने भी रिलेटेड काम होते हैं यूनो एसबीआई ऐप में ऑप्शन का दोस्तों यूज़ करना आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों आपको योनो एसबीआई में आप अपने यूपीआई का यूज़ कर पाएँ, ताकि दोस्तों आप योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से यूपीआई का यूज़ अच्छे ढंग से दोस्तों कर पाएँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ऐप को ओपन कर लेना है, दोस्तों अपने योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है योनो पे का, जो कि आपको दोस्तों ये मिल जाएगा। आपको सिंपली योनो पे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा भीम यूपीआई का, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है कि ये जो सर्विस है दोस्तों आपको 2400 घंटे और 7ों दिन आपको ये मिलेगी। आर्मी दोस्तों किसी को भी पैसे आप 2400 घंटे और 7ों दिन दोस्तों कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे करने का तरीका बताया गया है कि आप यूपीआई के थ्रू दोस्तों यूपीआई आईडी डाल के पे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल के पे कर सकते हैं, बैंक में पे कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और आपका जो भी रिक्वेस्ट है वो दोस्तों आप यहाँ पे भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर पैसे को कलेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर बार कोड को जनरेट कर पाएंगे। अगर आपको अपने बार कोड को शो करना है सिर्फ, तो वो भी आप यहाँ पर बार कोड सिर्फ मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने बार कोड को भी दोस्तों यहाँ पे शो कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे मैनेज का आएगा, और दूसरा दोस्तों होगा ट्रांजेक्शन का। तो जो भी आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे, पे यूपीआई आईडी में क्या होता है। आप दोस्तों जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने पहले से जिनको पे किया है आप उनको पैसे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जिनको भी पैसे आपको भेजना है, आप जब उन पे क्लिक करेंगे तो उनको दोस्तों पैसे भेजने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट डाल के आप उनको पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है, जो भी अमाउंट है आप दोस्तों अमाउंट लिख के आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो दोस्तों आप इनको पे कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको नए यूपीआई आईडी को डालना है तो नीचे एक आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता है यहाँ पे न्यू यूपीआई आईडी। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो किसी की भी यूपीआई आईडी को यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे चाहे गूगल पे की हो आपके, चाहे फ़ोन पे की हो, या फिर किसी भी ऐसे यूपीआई आईडी की हो, वो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी को डाल के उनको दोस्तों पैसे भेज पाएंगे। इसके बाद हम बैक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी हैं, अगर आपको किसी के मोबाइल नंबर पर भेजना है तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पर भेज पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको बैंक में भेजना है किसी के, तो वो भी आप यहाँ पे भेज पाएंगे। यहाँ पे नीचे एक लिखा रहेगा ऑप्शन पे न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आएंगे। सपोज़ हमको नए बैंक अकाउंट में भेजना है तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, पे का नाम डाल देना है जिनके नाम पे अकाउंट नंबर हो, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको बैंक में पैसे भेजना बहुत ही आसान हो जाएगा यूपीआई के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बैक कर देंगे। तो आपको मैंने ऊपर वाले ऑप्शन बता चुका हूँ कि आप लोग अपने जो पैसे हैं यूपीआई आईडी के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू और बैंक अकाउंट के थ्रू भेज पाएंगे। अगर आपको स्कैन करके भी भेजना है, कभी कभी पैसे को मान लीजिए बारकोड स्कैन करना है, तो आप सिंपली स्कैन बारकोड का यूज़ करके आपके जो भी पैसे हैं वो आप भेज पाएंगे। अगर आपका जो भी बारकोड हो गैलरी में हो तो आप यहाँ पे अपलोड फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप उस बारकोड को यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और पे भी कर पाएंगे। इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होता है, आप ये रिक्वेस्ट दोस्तों भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव में, आपको यहाँ पे एक कलेक्ट का ऑप्शन आएगा, एक जनरेट क्यूआर कोड का आएगा। अब दोस्तों कलेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, अब दोस्तों मान लीजिए आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आपको यहाँ पर उसकी यूपीआई आईडी को डालना है, वेरीफाई करना है और अमाउंट दोस्तों डाल देना है। अगर दोस्तों आपको अपना क्यूआर कोड सहित उसको भेजना हो तो यहाँ पे क्यूआर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, रिमार्क डाल देंगे, आपका जो भी होगा अमाउंट यहाँ लिखा होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा।
तो इससे दोस्तों क्या होगा, एक बार कोड जनरेट हो जाएगा। सपोज़ मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैंने 100 रुपये डाल दिए। रिमार्क में आप कुछ भी ले सकते हैं, ए टू जेड आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जनरेट करेंगे तो आपका दोस्तों जो भी बार कोड यहाँ जनरेट हुआ है, जब भी कोई दोस्तों इस पर क्लिक करेगा तो उससे दोस्तों 100 रुपये ही ऑटोमेटिक वहाँ पर लिख जाएंगे। ठीक है, वहाँ 100 रुपये ऑटोमेटिक लिख जाएंगे और वो दोस्तों पे भी आसानी से कर पाएंगे। इस बार कोड को किसी को भी भेजेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ही 100 रुपये दोस्तों वहाँ पर उठा लेगा, उसको दोस्तों अमाउंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दोस्तों आप लोग कभी कभी जब भी शॉपिंग करते होंगे तो वहाँ पे जो बार कोड जनरेट होता है वो दोस्तों अमाउंट सहित जनरेट होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप उसको स्कैन करते हैं वो दोस्तों उतने ही रुपए आपसे ले लेता है, वहाँ पे लिख के आ जाता है इतने रुपए हो गए। ठीक है, तो ऐसे मैनुअली ही जनरेट करना हो अपने QR कोड को तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, आप इसी पे क्लिक करके अपना जो भी बार कोड है वो दोस्तों यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, इसके भी थ्रू आप पैसे को यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मैनेज का, आपको मैनेज पे क्लिक करना है और जो भी मैनेज रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपनी UPI ID को देख सकते हैं, या फिर आपको एक नई ID बनाना हो तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके अपनी नई UPI ID को बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने UPI ID को योनो ऐप के थ्रू यूज़ कर पाएंगे और इससे दोस्तों पेमेंट करना, पेमेंट को लेना बहुत ही इजी होता है। बाकी तरीकों से दोस्तों UPI तरीका बहुत ही आसान लगता है। जितना आसान दोस्तों आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे यूज़ करते हैं, अगर आप इसको दोस्तों यूज़ करेंगे तो आप दोस्तों उसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे जैसे फ़ोन पे गूगल पे भी जितना आसान होता है उतना ही आसान दोस्तों यहाँ पे भीम UPI के माध्यम से आपको लगेगा। अगर दोस्तों आपको भीम UPI में अगर चलाने में कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन आपका होता है। आई होप दोस्तों आपको भीम UPI योनो ऐप के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं आपको समझ में आया होगा। बट दोस्तों आपका अगर कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।